जल्दी ही हम पितृत्व समुत्पाद यानी पटिच्च समुत्पाद की सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसमें बताएंगे कि पटिच्च समुत्पाद या पितृत्व समुत्पाद कैसे वर्क करता है। कोशिश करेंगे कि सिंपल से सिंपल, साधारण से साधारण तरीके से बताएं, ताकि जो बुद्ध की ये वाणी है और जो बुद्ध की ये अनुपम खोज है, जिसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनते हैं, जिसके ऊपर रोबोट बनते हैं, जिसके ऊपर कंप्यूटर साइंस टिकी हुई है, जिसके ऊपर कोडिंग और डिकोडिंग होती है, जो बुद्ध ने लगभग 2600 साल पहले बिल्कुल डिकोड की थी और बताई थी, वो चीज़ क्या है। क्योंकि पाली के शब्दों में पढ़कर ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि ये हार्ड है और समझा नहीं जा सकता। इसलिए पितृत्व समुत्पाद को जितने भी लोग बताते हैं वो अपने तरीके से बताते हैं और सभी का तरीका बताने का बहुत अच्छा होता है, मगर समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, अच्छे अच्छे लोगों को मुश्किल आती है। इसके कुछ शब्द हैं, पहले हम उनके शब्दों के सार बताएंगे, ताकि जैसे जैसे हम बताते जाएं वैसे वैसे वो आपको समझ में आती जाए। इसमें शब्द आएगा एक भव। भव का अर्थ समझ लें, अर्थ समझ लें, मीनिंग समझ लें, क्योंकि भव माने जो होता है जनरली भाषा में उसको संसार कहते हैं कि संसार है, ये भव है, कहते हैं ये भव है चारों तरफ, ऐसे हाथ उठा के कहते हैं ये भव है। मगर भव का मतलब संसार तो है, मगर संसार का मतलब जो वर्ड है यानी कि जो दुनिया है वो नहीं है। संसार का मतलब है स प्लस सार। स का मतलब होता है पाली में निज, स्वयं, माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप को अगर अपने बारे में बताऊंगा, ओन्स वन सेल्फ यानी कि निज, जो व्यक्तित्व है अपने बारे में जो बताता है उसको स्वयं बोलते हैं, माई सेल्फ, वो स से आता है, यानी स के जो अर्थ होता है वो है मैं खुद। और सार का मतलब है उसका असेंस यानी उसके बारे में बताना, यानी कि जो स्वयं अपने बारे में बताता है, निज के बारे में बताता है, वो भव होता है, यानी उसकी एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व, यानी जो वो है, स्वयं वो है, उसको संसार बोलते हैं। संसार का मतलब पाली में वर्ड या दुनिया नहीं होती है, ये ग्लोब है, इसका मतलब संसार नहीं है, उसके लिए अलग शब्द है, उसका मतलब है संस्कार। अगार अगर लगाते हैं संसार में प्लस अगार लगाते हैं, अगार का मतलब होता है घर, तो से संसार और अगार, तो ये हो गया पूरा संसगर। संसगर का मतलब है जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, संसगर का मतलब है वर्ड और दुनिया, इसका मतलब आता है। आपने सुना होगा अनागारिक धम्मपाल, अगारिक होता है, अगारिक का मतलब है घर वाला, और अनागारिक का मतलब है जो घर में ना रहता हो, घर जिसने छोड़ दिया हो, जो जिसका कोई घर ना हो, उसको अनागारिक बोलते हैं। तो जब स्वयं का, संसार का जब घर आता है तो फिर पूरा मिलके ये वर्ड दुनिया बनता है। इसलिए भव का मतलब है मैं खुद, सेल्फ, माई सेल्फ, यानी मैं सुधीर राज सिंह, मैं खुद है, मेरा अस्तित्व है, तो मैं भव हूँ। ये भव का साधारण सा शब्दसार है, इसको समझिए, क्योंकि पितृत्व समुत्पाद में छोटे छोटे रहस्य आएंगे, मगर बहुत अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर हैं। और एक बार अगर आपने पितृत्व समुत्पाद अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर धम्म आपको इतना आसान से समझ में आ जाएगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। धन्यवाद।